ये एक काल्पनिक फिल्म है। इस फिल्म के सभी किरदार, घटनाएं, कहानी, जगह और वाकये काल्पनिक हैं और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति पर आधारित नहीं है। ये फिल्म किसी भी गैर वैज्ञानिक घटना या होनी को किसी भी रूप में प्रोत्साहित या समर्थन नहीं करती। डॉक्टर सुमन से कहिए, शिखावा साहब उनसे मिलने आए हैं। जी। कौन है? आपको मिलने डीसीपी शेखावत आए हैं। बुलाओ। बोलिए। डॉक्टर सुमन, मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आस्थाना का अभी तो कोई पता नहीं चला है। आप ये बताने आए मुझे? ये खबर मैं सुबह अखबार में पढ़ चुकी हूँ। पिछले 11 दिन से आप एक ही बात दोहरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप डॉक्टर अनिल को ढूंढ पाएंगे। आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन डॉक्टर अस्थाना मुंबई से महाबलेश्वर किस रास्ते से गए थे इसके बारे में हमें कोई पता नहीं चला है। सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिए हैं, लेकिन कोई भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। लेकिन सुमन जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में अगर आपको कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो प्लीज हमें इत्तला कर दीजिए। जी। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही। आई नो। जी, थैंक यू। शहर के जाने माने सर्जन और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अनिल अस्थाना अभी भी लापता है। आज उन्हें लापता हुए 11 दिन हो चुके हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी शेखावत इस यस ZS हॉस्पिटल सीईओ ऑफिस। रीना सुमन बोल रहे हैं। जी मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, वो मैं आज से हॉस्पिटल आऊंगी। यहाँ बहुत रेस्टलेस हो रहा है, तो मेरा रूम ठीक करा देना। ओके। यस मैम, श्योर। Thank you.
कामत को बुलाना प्लीज। या मैम। हेलो कामत सर, डॉक्टर सुमन आई है और आपको बुला रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाय। गुड मॉर्निंग मैम। हाय डॉक्टर कामत, कैसे हैं? आई एम फाइन। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ पता चला? पुलिस इज क्लूलेस। डीसीपी शेखावत आए थे सुबह घर पे, कह रहे थे कोशिश कर रहे हैं। निकम्मे है सब कामत, 11 दिन हो गए, एक आदमी का पता ही नहीं चला अब तक। एनीवे, हाउ आर थिंग्स? फाइन मैम। कामत, जब से डॉक्टर अनिल गए हैं मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। Will you please manage things? आप चिंता न करें मैम। Thanks, I appreciate it. और कुछ? नहीं कुछ नहीं मैम, मैं चलता हूँ। मैडम ये फाइल देख लीजिएगा प्लीज। 12 साल का लड़का है नीरज, इसके पिता पिछले 10 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने लड़के को डिस्चार्ज कर दिया था, मगर वो आपसे कंसल्ट किए बिना हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ उसे? नॉर्मल है। नॉर्मल है तो मुझे क्यों मिलना चाहता है? लड़का नॉर्मल नहीं है, लेकिन लड़के की रिपोर्ट्स नॉर्मल है। पिछले 10 दिनों से उसे जोरदार कपकपी चढ़ती है, सारा बदन कांपने लगता है। उसकी सारी रिपोर्ट्स, ब्लड प्रेशर, MRI, सीटी स्कैन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हमने रिपोर्ट्स देखकर कह दिया था कि बीमारी हमारे समझ में नहीं आ रही है। हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया था, पर पेशेंट के फादर जिद पकड़ कर बैठे हैं कि एक बार आप उसे देख लें। ओके, आई विल सी। ये डॉक्टर सुमन है जिनसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं। नमस्ते डॉक्टर। देखिए, मैंने आपके बेटे की पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी है, सब नॉर्मल है। आप प्लीज इसे रिलीव करवा लीजिए। आप जरा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ये कल रात हुआ था। आप इसे नॉर्मल कहेंगे? मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल के सब फिजिशियंस, सब न्यूरोलॉजिस्ट ने इसकी रिपोर्ट देखी है। उन्हें इस बीमारी की वजह ही नहीं समझ आ रही। ही इज टोटली नॉर्मल। आप प्लीज इसे डिस्चार्ज करवा लीजिए। आप एक बार इसे देखिए। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, मैं इस हॉस्पिटल की CEO हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ के मालिक हैं, मैं खुद एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं ऐसे केसेस की जांच नहीं करती। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप एक डॉक्टर हो के ऐसी बात कैसे कर सकती है? मेरा फूल सा बच्चा कितनी तकलीफ में है, जरा देखिए। सारा दिन डर के मारे पत्तों की तरह कांपता रहता है, और रात में इसे ऐसे दौरे पड़ते हैं। आप इसका इलाज करिए। आप किसकी डॉक्टर हैं, क्या करती हैं, मुझे कुछ नहीं समझता। बस आप इसका इलाज कीजिए, और वो आप भी कर सकते हैं। वो कैसे भी कीजिए। आप बात करती है ना, तो इससे भी बात कीजिए। इसके मर्ज को समझने की कोशिश कीजिए। फिर आप कहेंगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगी, लेकिन फिर आप इसे डिस्चार्ज करवा लेंगे। ओके जी, हैंडल इट। श्योर मैम।
नीरज, मुझे तुमसे 2-3 सवाल करने हैं, कर सकती हूँ? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। 5th में? गुड। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। यहाँ? इस हॉस्पिटल में? इस कमरे में। आपकी टेबल वहाँ उस कोने में थी, एसी के नीचे। That's true. टेबल तो वहीं थी। तुम्हें कैसे पता? मालूम है मुझे, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े, आपकी शादी कब हुई, सब पता है मुझे। तुमने मेरे बारे में कुछ पढ़ा है? मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता रहता है। मैं डॉक्टर कामत के बारे में भी सब जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? सब कुछ। मैम, जब इसे इस तरह के दौरे पड़ने शुरू होते हैं तब ये ऐसी ही बातें करता है जो सुन के बहुत डर लगता है। मैं कहां पैदा हुआ था? देहरादून में। मेरे भाई का नाम क्या है? विकास कामत। मेरी बहन का नाम? आपकी कोई बहन नहीं है। सब सही है। इनके पति का नाम क्या है? डॉक्टर अनिल अस्थाना। क्या तुम ये बता सकते हो कि डॉक्टर अनिल अस्थाना इस वक्त कहाँ है? हाँ। डॉक्टर अनिल अस्थाना इस वक्त कहाँ है? वो मर चुके हैं। मर चुके हैं? What nonsense is this? Stop it! कहाँ पे मरे? लोनावला के पास। That's it. इस बच्चे को लेकर जाइए। कहाँ चले गए थे? उस लड़के को बाहर लेकर आओ। इतना डरना नहीं चाहिए, मौत बहुत हसीन होती है, एक बार आजमा के तो देखिए। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। Like you really believe in this crap? मैम, ये क्रैप है या हकीकत वो पुलिस को डिसाइड करने दीजिए, लेकिन अगर ये बात हमने पुलिस से छिपाई तो उसकी जिम्मेदारी हम पर होगी। सर, ये है नीरज।
हेलो, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपने उन्हें बताया कि आपको पता है डॉक्टर अस्थाना कहाँ है। हाँ। कहाँ है? वो मर गए हैं। कैसे? खुद मर गए। कहाँ पर? लोनावला के पास। लोनावला के पास कहाँ? लोनावला से 12 किलोमीटर दूर एक झाड़ी में उनकी गाड़ी पड़ी है और उसी में उनकी लाश है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी, थैंक्स। बोलिए सर। मैं अपनी टीम के साथ लोनावला जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा आप हॉस्पिटल से नहीं जाएंगे। सर, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, वो खुद एक मरीज है, इलाज के लिए आया है। जयमल जी, गाड़ी में लाश, कोई क्रिमिनल एंगल भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम है ना? जी। जब तक मैं नहीं आता आप हॉस्पिटल में ही रहेंगे। जी सर। हाँ, थैंक यू। अपना कोई आदमी यहाँ पर रखिए। जी सर। लड़के पर नजर रहे। जी सर। टूटी हुई है, जरा देखना। जी सर। सर, ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोनावला से कितनी दूर है? करीबन 10-15 किलोमीटर। सबको उतारो। जी। जरा नीचे जाके देखो। जी सर। चलिए आइए। फास्ट फास्ट। Thank you.
गाड़ी मिल गई है। हेलो डॉक्टर सुमन जी, उस लड़के की बात सही निकली। लोनावला से करीब 12 किलोमीटर दूर हमें डॉक्टर अनिल की गाड़ी मिली है। डॉक्टर अनिल? गाड़ी में एक लाश है, लेकिन वो डॉक्टर अनिल है कि नहीं वो तो आप ही को बताना पड़ेगा। आप थोड़ी देर बाद माटुंगा हॉस्पिटल पहुंच जाइए, मैं बॉडी को वहीं भेज देता हूं। जी। आपको इससे कोई परहेज तो नहीं है? जी नहीं। थैंक यू जयमल जी, इतनी रात गए आपको परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सुबह होने तक मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। नीरज की बात सही निकली, हमें उसी जगह गाड़ी में डॉक्टर अनिल की लाश मिली। आपका बेटा ये सब कैसे जानता है? मुझे नहीं पता सर, जब से उसे ऐसे दौरे पड़ते हैं तब से वो ऐसी बातें करता है। अब पता नहीं ये सब बातें वो कैसे जान लेता है। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए। मुझे व्हाट्सएप कर देना। जी सर। जयमल जी, मैं जानता हूं कि आप एक शरीफ इंसान हैं। मैं ये भी जानता हूं कि फिलहाल आप आपके बेटे की बीमारी की वजह से परेशान हैं, लेकिन ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जिसकी एक कड़ी आपका बेटा है। जब तक मुझे मुकम्मल जवाब नहीं मिल जाते मैं इस इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं सकता। जितना भी आपको पता है बता दीजिए। जी सर, कुछ 10 दिन पहले मेरा बेटा नीरज एकदम नॉर्मल था। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, मुंबई घूमने आया।
फिर हम उसे यहाँ लेकर आ गए। तब से उसे बार बार ऐसे दौरे पड़ते हैं, तभी से ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। जयमल जी, सुबह होने को है, आप आराम कीजिए, मैं बाद में नीरज से बात करता हूँ। हैव अ नाइस डे। हाँ, सबको फोन कर दिया? मैं पहुंच जाऊंगा आधे घंटे में। थैंक यू। कुछ खा लेते तो? मन नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहीं पे खा लूंगा। सुनिए, आज डॉक्टर के पास जाना है। आप साथ नहीं चलोगे? आप साथ चलते तो अच्छा रहता, मुझे यूं अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। प्रीति, औलाद पाने के लिए आखिर कब तक डॉक्टर के चक्कर काटती रहोगी? अब तो भागना बंद करो। ठीक है, अब मुंह मत लटकाओ, हो आओ डॉक्टर के पास। सर, हम तैयार हैं। या प्लीज हैव अ सीट। गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर कमिंग। आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर अनिल अस्थाना पिछले 12 दिनों से गायब थे। हाल ही में हमें उनकी बॉडी मिली है, लोनावला के पास उनकी गाड़ी में ही मिली। उनकी जो वाइफ हैं डॉक्टर सुमन, उन्होंने बड़े की पहचान की है। हमारी जांच अभी शुरू है और जांच के बाद पता चलेगा कि क्या ये महज हादसा था या फिर और कुछ। इतने दिनों बाद पुलिस को कैसे पता चला कि गाड़ी कहाँ है? किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था। कहाँ से? हम अभी उसकी जाँच कर रहे हैं, जैसे ही और डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे हम आपको इत्तला कर देंगे।
How are you? अच्छा हूँ। अरे तुम्हारी बात तो वो बिल्कुल सही निकली। हमें डॉक्टर अनिल की गाड़ी लोनावला में उस झाड़ी के पास मिली जैसा तुमने कहा था। तुम्हें बात कैसे पता चली? किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा? फिर तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? बस ऐसे ही जानता हूँ। देखो नीरज, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब लोग जो हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम है, किसने बताई? मुझे कोई कुछ नहीं बताता, मुझे सब पता रहता है। देखो नीरज, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या मुझसे कुछ छुपाया तो मैं तुम्हारे पापा को और तुम्हारी मम्मी को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, और फिर तुम यहां बिल्कुल अकेले रह जाओगे, है ना? चलो बताओ, डॉक्टर अनिल के बारे में तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, मुझे सब पता रहता है। अगर आपको मुझ पे यकीन ना हो तो आप मुझे आजमा सकते हैं। वो कैसे? मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ। किसके बारे में? सुनीता के बारे में। कौन सुनीता? वही सुनीता जिसकी पायल की आवाज बहुत मीठी थी। देखा सर, कैसी बहकी बहकी बातें करता है। आप इसे ले जाइए, मैं इसे बाद में बात करता हूं। जी। से बात हो सकती है? हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार पंडित जी, मैं शेखावत बोल रहा हूँ। कौन शेखावत? पुलिस वाला शेखावत पंडित जी। 3 साल पहले आपने मेरी मदद की थी। ओहो हो, शेखावत, बोलो शेखावत। ताबीज खो गई क्या? नहीं, ताबीज तो है पंडित जी। पायल की आवाज फिर सताने लगी क्या तुमको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पंडित जी। मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ,
उसे देखिए फिर बात करते हैं। ठीक है, भेजिए। जी। सुनीता जरा बर्फ ले आना। सुनीता ये क्या? यूरिन रिपोर्ट। किसकी? मेरी। मैं प्रेग्नेंट हूं। वो मैंने खुद से टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया, सोचा लैब में जाके करवा लेती हूँ। क्या मजाक है, तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूं, मेरी नौकरी है, करियर है, सब बर्बाद हो जाएगा, गिरवा देना उसे। तो ये सब रिश्ता रखने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हें मंजूर हो या ना हो, मैं ये बच्चा जरूर रखूंगी और दुनिया के सामने तुम्हारा नाम भी दूंगी। तुम भी ना मजाक नहीं समझती, हाँ? रख लेना इस बच्चे को, मेरा नाम दे देना, हम पालेंगे इसे। वैसे भी मेरी बीवी को बच्चा नहीं होने वाला, ठीक हो? गुड न्यूज।
इस पायल को गंगा में विसर्जित कर दो और ये ताबीज हमेशा धारण करके रखना। इसे मैंने यंत्र से सिद्ध कर दिया है और जब तक तुम इसे धारण किए रहोगे वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। हमेशा धारण किए रहना और जिंदगी भर इसे संभालना, ये दोबारा नहीं बन पाएगी। पंडित जी, आपने वीडियो देख लिया? देखा। मुझे उस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए। बनारस आ जाओ शेखावत, ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती। मैं बनारस नहीं आ सकता पंडित जी, मुझे उस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए अभी। इस लड़के के अंदर पिशाच घुसा हुआ है शेखावत, इसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो तुम्हारे बारे में सब जान जाएगा। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है पंडित जी, लेकिन वो ऐसे कैसे जान सकता है? भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ये सब एक ही जैसे जाने जाते हैं, लेकिन हैं सब अलग अलग। पिशाच शरीर में घुस सकता है और हर तरह की बात जान सकता है। ये पिशाच कौन है?
वो उसके शरीर में क्यों घुसा? अगर किसी इंसान को नाइंसाफी के जरिए समय से पहले मार दिया जाए तो वो प्रतिशोध लेने के लिए दोबारा इस दुनिया में आ सकता है, और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ फोन पे बता नहीं सकता। जी सर, तुम अभी ही होटल मेघदूत जाओ। जी हाँ, मैं अभी जाता हूँ। और पता करो कि नीरज और उसकी फैमिली कमरा नंबर 706 में रुके थे या नहीं। जी सर, मैं अभी पता करता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे फोन का। जी सर, मैं कॉल बैक करूँगा आपको। राइट सर। पीएसआई यात्रा क्राइम ब्रांच। यस सर। जयमल अग्रवाल और उसकी फैमिली कौन से कमरे में रुकी हुई थी? जयमल अग्रवाल 27 अगस्त रूम नंबर 706। हाँ अत्रे। सर आपकी बात सही है, जयमल अग्रवाल और नीरज होटल मेघदूत के रूम नंबर 706 में ही रुके हुए थे। अत्रे। जी सर। उस होटल की सीसीटीवी कैमरास की सारी फुटेज ले आओ 12 मई की। राइट सर। यस सर। मुझे आपके होटल के 12 मई के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, आप प्लीज बैठिए, मैं अरेंज करवाता हूँ। जल्दी करो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, ये होटल मेघदूत का सीसीटीवी फुटेज। बना दूं आपको? नहीं, वो कुछ प्रिंटआउट्स होंगे, जरा लाके देना। हाँ जी।
डॉक्टर सुमन जी, शेखावत बोल रहा हूँ। आप थोड़ी देर में मुझे मेरी ऑफिस में मिल सकती हैं? इस वक्त जी अभी। आप सुबह फोन करिएगा, मिल लेंगे। मैं इस वक्त नींद में हूँ। मेरी नींद तो उड़ चुकी है सुमन जी, और जहां तक मेरा ख्याल है आप भी चैन की नींद नहीं सो रही होंगी। क्या बात है। होटल मेघदूत बांद्रा। मैं 1 बजे आपको मेरी ऑफिस में बुलाऊंगा। आते शेखावत कहाँ पे? वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। थैंक यू। सर, डॉक्टर सुमन आई है। वेट तो आइए। माफ कीजिए, आपको इस वक्त यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन मसला ही कुछ ऐसा है कि आपसे बात करना जरूरी समझा। आप बांद्रा के होटल मेघदूत में कभी गई हैं? नहीं। हाँ, होटल मेघदूत से कभी आपका कोई वास्ता पड़ा है? नहीं। तो फिर होटल मेघदूत का नाम सुनकर आप इतनी आधी रात दौड़ी क्यों चली आई? कम टू द पॉइंट मिस्टर, मैं यहां पर पहेलियां बुझाने नहीं आई हूं। या सुमन जी, ये गूगल बड़ी अजीब चीज होती है। अपनी करनी चाहे इंसान खुद भूल जाए, लेकिन गूगल कभी नहीं भूलता। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन गूगल पर होटल मेघदूत सर्च करने के बाद फर्स्ट पेज पे ये न्यूज आती है। राहुल वोरा, उम्र 24 साल। 6 महीने पहले उसने होटल मेघदूत के छत से कूदकर अपनी जान दी थी। उसके पिताजी ने कहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसका इलाज डॉक्टर सुमन आप कर रही थी। राहुल वोरा, जानती हूं उसे। सुसाइडल सिंड्रोम का केस था। जहर खा के जान देने की कोशिश की थी इसने। इनफैक्ट इलाज के दौरान मैंने इसके काफी सेशंस लिए थे। हाउ यू फीलिंग राहुल? देखो, तुम्हारा इलाज दूसरे डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी साइकेट्रिस्ट हूं, इसलिए तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी, ठीक है?
तुमने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की है, मरने की इतनी क्या जल्दी है तुमको? जिंदगी अच्छे से जियो, मरना तो सबने ही है एक दिन। देखो बात करना करवाना यही मेरे इलाज का जरिया है, मैं दवाई कम देती हूँ बात ज्यादा करती हूँ। तुम प्लीज बताओगे ऐसा क्यों किया? I like it. अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? जीने से ज्यादा मरना अच्छा लगता है। वजह? 3-4 महीने किया मैंने उसका इलाज, फिर वो कहीं चला गया। मैंने भी ये खबर पढ़ी है। राहुल वोरा की मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं। ये आप कैसे कह सकते? ये मैं नहीं, राहुल वोरा मानता है। राहुल वोरा क्या मानता है ये आपको कैसे पता? राहुल वोरा तो है ही नहीं। राहुल वोरा वापस आ गया। आपके पुराने पेशेंट राहुल वोरा की आत्मा नीरज के अंदर है। अटर नॉनसेंस, क्या बातें कर रहे हैं आप? मेरी बातें न करने से पहले यह बात याद रखिएगा कि मैं कोई गांव खेड़े में रहने वाला अनपढ़ गवार आदमी नहीं हूं। आईपीएस ऑफिसर हूं, क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हूं। एक बात बताइए, नीरज को क्या बीमारी है? उसका शरीर इतना क्यों कांपता है? जो बात किसी और को पता नहीं है वो नीरज को कैसे पता? राहुल वोरा की मौत होटल मेघदूत के कमरा नंबर 706 में हुई थी। नीरज उसी कमरे से बीमार हुआ है। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन शहर के सारे अस्पतालों को छोड़कर नीरज का बाप उसके कहने पर उसे आपके हॉस्पिटल में ले आया। मिस्टर शेखावत प्लीज। मैं भी इन बातों को नहीं मानता था लेकिन मैं भूत का साया देख चुका हूं। ओके दैट्स इट, मैं जा रही हूं। एक्सक्यूज मी। सुनो,
तुम सोए नहीं, जागे हो अभी तक। क्या काम था मुझसे? ऐसे ही देखने आई थी। ऐसे ही तो कोई कहीं नहीं जाता। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या क्या कहना? थोड़ा पास आइए, आपके कान में कुछ कहना है। कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपसे मिलना। अभी? महालक्ष्मी मंदिर के सामने आ जाइए। जी। सीक्रेट कहानी अभी अधूरी। दीपिका? दीपिका उसकी गर्लफ्रेंड थी, किसी एनआरआई से शादी करके वो यूएस चली गई। राहुल, ये प्यार ना केमिकल रिएक्शन होता है, इसका इलाज किया जा सकता है। तुम एक
दिल टूटने की वजह से इतनी बार जान लेने की कोशिश कर रहा है। ये एक दिमागी बीमारी है। ट्रस्ट मी, इट कैन बी क्योर्ड। रेगिस्तान की बेहड़ और बंजर रेत को ये मालूम नहीं कि सावन क्या है। आपकी बातों से लगता है आपकी तो जिंदगी ही बंजर है। आप तो रोग ही नहीं जानती, इलाज क्या खाक करेंगी। जिंदगी की इमारत खड़ी थी लेकिन बुनियाद ढह चुकी थी। पहली बार एहसास हुआ मैंने जिंदगी में कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ गवाया। डॉक्टर अनिल और मेरे बीच की उम्र का फासला मुझे इतना लंबा कभी नहीं लगा। यस मैम। ये राहुल की फाइल है, किसी और डॉक्टर को दे दो, मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगी। और मैम आपने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी वो बंद कर दो। समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। मैंने फिर से उसका इलाज करना शुरू किया। फीलिंग बेटा? मुझे एक सिगरेट चाहिए। हॉस्पिटल है राहुल। प्लीज दिस वन प्लीज। राहुल की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। मेरी खराब हो रही थी। इश्क का भूत सवार हो गया। हाय। हेलो। हाउ आर यू डूइंग? बेटर देन ओके। यू बेटर देन ओके? गुड। तुम जैकेट क्यों पहनते हो? वो एक्चुअली मुझे ना जरा सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है। मैट दो चाय ला। हाय। हाय। हाउ आर यू? ओके। व्हाई ओके? यू शुड बी गुड। I don't know. मेरा सिगरेट पीना डॉक्टर अनिल को बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के बाद उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी। Thank you.
मंजिल का पता नहीं था, लेकिन कारवां चल पड़ा था। मैं समझ गई थी ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दीवाना वो था, मैं नहीं। मुझे मेरी नादानी और गलती का एहसास हो रहा था। कारवां को रोकने का वक्त आ गया था। मैंने राहुल से मिलना, उससे बात करना छोड़ दिया। दीवानों की तरह वो मेरे पीछे लगा रहा। मुझसे मिलने की उम्मीद में घंटों हॉस्पिटल बैठा रहता, लेकिन मैं अपना रास्ता तय कर चुकी थी। वो फोन करता रहा और मैं काटती रही। सुमन, तुम्हारी वो जयपुर वाले केस का क्या हुआ? He's under observation. अभी कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। मैडम, आपसे मिलने राहुल आए हैं। कौन है ये राहुल? पेशेंट है। तो घर पे मिलने क्यों आया? उनको वापस भेज दो। बोलो मैडम, घर पे किसी को नहीं मिलती, जाओ। मैंने बोला वो जाने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैडम से मिले बिना नहीं जाएंगे। What nonsense! Call the police. नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। Excuse me. क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? नहीं उठा रही तो इसका मतलब समझ में नहीं आता। मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए राहुल। This relationship is over. कहाँ है वो? चला गया। क्यों आया था? I'll take care. अब नहीं आएगा। फिर वो चला गया और उसी रात उसने होटल में एक दूध की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कहानी अब पूरी हुई है। अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, मेरी बनारस की फ्लाइट है।
शेखावत। आइए। सब ठीक ठाक है ना शेखावत? ये सुनीता फिर सता रही है, कल रात फिर आई थी। ताबीज की वजह से तुम तक नहीं पहुंच पाई, और शेखावत साहब उसके पीछे है वो पिशाच जो उस लड़के में घुसकर बैठा है। वो सुनीता के साथ मिलकर तुम्हें हटाना चाहता है, क्योंकि तुम उसके रास्ते में रुकावट बन गए हो। आखिर ये राहुल वोरा की आत्मा क्या चाहती है? क्यों वापस आया वो? डॉक्टर सुमन को मारना चाहता है और मारकर उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा, और साथ साथ तुम्हारे सारे राज खोलेगा और फिर तुम्हें खत्म कर देगा। बाहर निकलने का उपाय बताइए। दो उपाय हैं। पहला ये कि वो पिशाच उस लड़के को छोड़ के चला जाए, जो कि नामुमकिन है, वो नहीं जाएगा। फिर दूसरा? लड़के को खत्म कर दो। बात करो सही तरीके से, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सफाया चाहिए वहां पर। जी सर। अत्रे जी, वो बांद्रा 2 में PSI शिंदे थे ना? जी सर। हाँ, वो अब कहाँ? सर वो पुणे में है। अच्छा, उनका नंबर ढूंढिए, फोन लगाइए और मुझसे बात करवाइए। जी सर। अभी? जी सर, मैं अभी करवाता हूँ। अभी तक वो आए नहीं। एक मिनट। हेलो शिंदे साहब। हाँ जी। मुंबई क्राइम ब्रांच से PSI अत्रे बोल रहा हूँ। बोलिए अत्रे साहब। शेखावत साहब बात करेंगे। सर शिंदे लाइन पे।
अच्छा अत्रे जी, पता कीजिए ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है। जी हेलो शिंदे। हाँ जी सर। 6 महीने पहले होटल मेघदूत बांद्रा एक लड़के ने सुइसाइड की थी। राहुल वोरा नाम था। उसका इन्वेस्टिगेशन आपने किया था? हाँ सर, उसका इन्वेस्टिगेशन मैंने किया था। कोई डिटेल्स याद हैं आपको? सिंपल सुसाइड का केस था सर। उस लड़के का दिमाग सही नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। कोई और डिटेल्स? नहीं सर, सुसाइड का ही केस था। ठीक है, थैंक यू। डेड बॉडी के बारे में जानता हूँ। औरत है बनारस में, उसके एक पाँव में पायल है, दूसरे पाँव की खो गई है। शेखावत साहब से कहिए मुझसे बात करें। सर वो लड़का नीरज कोई और डेड बॉडी की बात कर रहा है, बनारस में कोई औरत है। आपको अगर एतराज ना हो तो मैं नीरज से अकेले में बात करना चाहता हूं। नहीं, आपको जो भी बात करनी है वो हमारे सामने करिए। पापा अब जाओ, मैं इनसे बात कर लूंगा। आप एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। पापा अब जाओ, मुझे इनसे बात करनी है। मैं जानता हूं कि तुम राहुल वोरा हो और तुम यहां किस लिए आए हो यह भी मैं जानता हूं, लेकिन तुमने अगर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, यह याद रखना। यह देखो, अगर तुमने सुनीता के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो मैं डॉक्टर सुमन को जेल भेज दूंगा। यह देखो सबूत। फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें डॉक्टर सुमन कभी नहीं मिलेंगे, सदियों तक भटकते रहोगे तुम, याद रखना। कहानी को खत्म करने का वक्त आ गया है। मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया। आज रात को मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैं इस सिलसिले से तंग आ गई हूं। तंग तो मैं भी आ चुका हूं। रात को 12 बजे मिलते हैं। जी।
आप ड्रिंक लेंगी? ले लीजिए सुमन जी। आपको जरूरत पड़ेगी। बारह मई की रात को राहुल वोरा ने मेघदूत होटल की छत से छलांग लगाई थी। ये होटल मेघदूत के सीसीटीवी फुटेज के फोटोग्राफ्स हैं और ये आप हैं। आपको कैसे पता ये मैं हूं? मैं आदमी चाहे जैसा भी हूं लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरह से करता हूं। राहुल वोरा सुसाइड केस के 120 पन्ने की चार्जशीट में जो चीज नहीं है वो मैंने ढूंढ निकाली है। सुमन जी, आपकी गाड़ी का नंबर MHO3ZI2356 है, ठीक है ना? आपकी गाड़ी उस रात 10 बजे होटल मेघदूत में पार्क थी। उस रात आप राहुल वोरा से मिलने गई थी। सुमन जी, आत्माएं कभी बेवजह से किसी के पीछे नहीं पड़ती। सुनीता प्रेग्नेंट थी, मैंने उसको गला घोट के मार दिया और उसकी लाश गंगा के किनारे जाकर गाड़ दी। वो मेरे पीछे पड़ गई लेकिन सिर्फ इस तावीज की वजह से आज तक बचा हूं। राहुल वोरा के जान जाने के पीछे आप हैं सुमन जी। आपकी बताई हुई कहानी अभी भी अधूरी है। पूरी कहानी क्या है सुमन जी? क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मेरा नहीं उठा रही तो इसका मतलब समझ में नहीं आता। मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए राहुल। This relationship is over. ऐसे कैसे होगा? बच्चों जैसी बातें मत करो राहुल। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने दूंगा। एक साइकियाट्रिस्ट हूं मैं। राहुल को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये मर्ज अब ठीक होने वाला नहीं है। उस एक पल में मुझे समझ आ गया था कि मजनू को पत्थर क्यों मारे गए थे, मंसूर को फांसी क्यों चढ़ाया गया था और मीरा को जहर क्यों दिया गया था। क्योंकि प्यार के मर्ज का कोई इलाज नहीं होता, उसे मिटाने के लिए आदमी को ही खत्म करना पड़ता है।
ओके वेट, मैं तुम्हें आज शाम को फोन करूंगी। अब जाओ यहां से। जहर और दवाई में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो शक्कर एक लो बीपी पेशेंट के लिए दवाई का काम करती है, वही शक्कर एक डायबिटिक के लिए जहर बन जाती है। राहुल को ऐसी दवाइयों पर रखा गया था जो उसकी भावनाओं को काबू में लाए, लेकिन एक डिप्रेसिव पेशेंट के लिए वो दवाइयां यूज की जाती हैं जो उसके भावनाओं के बहाव को बढ़ा दे। हेलो, होटल में एक दूध बैंड्रा के टेरेस पे रूम बुक करो। ओके, आज रात को तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओके ओके, पक्का प्रॉमिस। फोन मत करना, मैं रूम नंबर खुद पता कर लूंगी। ओके ओके ठीक है, लेकिन पक्का मिल रहे हैं ना हम लोग। सी यू। कूल। अमर सिंह आगे लेफ्ट। हाँ, कितना हुआ? दवाई ली? तुम आ गई हो ना, तो दवाई की क्या जरूरत? तुम चलो वहां पे, मैं तुम्हारी दवाई बना कर लाती हूँ, ठीक है? Thank you.
को ऐसी दवाई दी थी जिससे वो अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सके। सुमन, मुझको कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब तो लगेगा ना राहुल, दवाई का असर जो हो रहा है। राहुल का शरीर बारूद बन चुका था, बस चिंगारी लगाने की देरी थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम सिर्फ मेरी एक जरूरत हो, पर अब तो तुम्हें वो भी मजा नहीं रहा। You dare come to my house, मेरे हस्बैंड के सामने? Not happening. क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक तो तुम अपना उड़ा रहे हो राहुल। साइडल सिंड्रोम का मरीज, 500 मिलीग्राम का लीथल डोज और दिल पे चोट, गोली चल चुकी थी। सुमन, सुमन, एक अरसे से राहुल दवाइयों पर था, इसलिए मैं जानती थी कि ड्रग का ओवरडोज ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगा। सुमन, सुमन! राहुल को बहकाने के लिए 100 मिलीग्राम दवाई काफी थी, लेकिन मैंने उसे 500 मिलीग्राम दी। सोचा आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सुमन! मोहब्बत ने अपना अंजाम पा लिया था, अब बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए? कभी कभी दामन पे लगे खून के धब्बे पानी से नहीं धुलते, उन्हें दोबारा खून से ही धोना पड़ता है। राहुल को दोबारा मारना होगा। मतलब अगर नीरज नहीं रहेगा तो राहुल उसका शरीर छोड़कर चला जाएगा, मुसीबत खत्म।
नीरज को मारना होगा। और आप कह रहे हैं कि मैं ये करूं? मैं उस बच्चे को नहीं मार सकती, नो, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं। करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आप डॉक्टर हैं सुमन जी, सारा हॉस्पिटल आपका है और आपको तो तजुर्बा भी है। आप जरूर कुछ सोच लेंगे। नो मिस्टर शेखावत, मैं ये नहीं कर सकती। राहुल मुझे नहीं छोड़ेगा और अगर मैं डूबूंगा तो मैं आपको भी ले डूबूंगा। सारे सबूत हैं मेरे पास। सुनिए, नामुमकिन है। मैंने आपसे कहा था आपको ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी, लीजिए और आराम से दोबारा सोचिए। नामुमकिन चीज भी आपको मुमकिन लगेगी। नो मिस्टर शेखावत, कल सुबह होने से पहले मुझे जवाब दे दीजिए। गुड नाइट। आप सही कह रहे थे, हमें नीरज को मारना होगा। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। जी कहिए। मैं नीरज का इलाज अलग तरीके से करना चाह रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। जिस होटल के कमरे में नीरज बीमार हुआ था, मैं उसे वहीं ले जाना चाहती हूँ। वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगी। मुझे यकीन है आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जैसा आप उचित समझे। देखिए, इसके लिए मुझे नीरज को बेहोश करना होगा और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। ये पेपर आप पढ़ लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। मेरे बेटे को वापस पाना चाहता हूँ, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जहाँ कहेंगे मैं साइन करने को तैयार हूँ। क्या सोचा आपने, कैसे करेंगे आप? मैं कर लूंगी। अब राहुल वापस नहीं आएगा। मैं कुछ मदद करूं आपकी?
वो तावीज दे दीजिए मुझे। इसे मैंने आज तक कभी उतारा नहीं, क्यों चाहिए आपको? नीरज के साथ जा रही हूँ, थोड़ी घबराहट हो रही है, शाम तक लौटा दूंगी। डॉक्टर कामत को भेजना जल्दी। जी मैम। डॉक्टर कामत। यस मैम। ये इंजेक्शन जरा नीरज को दे देना, उसके बेहोश होने के आधे घंटे बाद उसे होटल में एक दूध पहुंचा देना। होटल के मैनेजर से बात कर ली है, अकेले में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हूँ उस एनवायरनमेंट में उसके साथ। You need me there? No, मैं अकेले रहना चाहती हूँ उसके साथ। शुभ। थैंक यू। होटल में एक दूध बैंड्रा कमरा नंबर 706 में एक लाश पड़ी। कंट्रोल रूम कॉलिंग, पीसीआर वैन टू, पीसीआर वैन टू। वैन टू रिप्लाई। Thank you.
बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। राहुल, ये प्यार ना केमिकल रिएक्शन होता है। मालूम था तुम आओगी। चलो चले यहां से। प्रीति, आइस लेके आओ। बर्फ, तुम्हें कोई पायल की आवाज सुनाई दी? नहीं, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो ऐसा था कि मेरे एक ही पैर में पायल थी, तो मैंने निकाल दी। हाय रे
जान के बदले दे गयो झांसा, जान के बदले दे गयो झांसा, बाहरी मोहब्बत बाहर तमाशा, बाहरी मोहब्बत बाहर तमाशा। उसने गिराई दिल पे बिजुरिया, उसने चलो कुतवाली चलो रे सिपाही।